हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये डिजाइन जो है एक ज्वेलरी पीस से इन्फ्लुएंस होके बनाया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और बनाना बहुत इजी है। आप देख रहे हैं मैंने दो फ्लावर्स बनाए हैं, इन फ्लावर्स को मैंने यूं आपस में ज्वाइन कर लिया है। बहुत सिंपल मोटिफ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इसको एंकर के थ्रेड के साथ ही वर्क करेंगे। डिफरेंट कलर्स लेंगे, आप अपनी पसंद के कलर्स ले सकते हैं और 6 की 6 स्ट्रैंड से ही वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए मैं 6 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करूंगी और 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। सबसे पहले ये फ्लावर्स बनाएंगे। स्टिचेस भी मैंने बहुत सिंपल यूज किए हैं, जो आपने सब सीखे हुए हैं और बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बना रहे हैं, लेकिन इसको हम डबल लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। यूं एक बार लेजी डेजी स्टिच बना के इसकी जो टकिंग है वो थोड़ी सी लंबी करेंगे ताकि पेटल्स देखने में खूबसूरत लगें। और फिर उसके बाद दोबारा से बेस पे निकालते हुए हम इसको यूं ऊपर वाले स्टिच से वीव करेंगे और नीचे टकिंग करेंगे। जब भी आप लेजी डेजी स्टिच बनाएं तो थ्रेड को आप बहुत जोर से ना खींचें। अगर आप बहुत जोर से खींचेंगे तो लुक जो है वो पेटल की खराब हो जाएगी। ये देखिए, हम इसको हल्के हाथों से खींचते हैं और टकिंग थोड़ी सी लंबी। देखें, एक फ्लावर हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम ये वाला फ्लावर भी बना लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पहले फ्लावर्स बनाएंगे, उसके बाद हम ये चेन्स बनाएंगे। ये चेन्स बनाने के लिए हम बीड स्टिच का इस्तेमाल करेंगे, जिसे मोती टांका भी बोलते हैं, ताकि इसकी लुक जो है वो ऐसे लगे जैसे इसमें बीड्स पिरोए गए हैं। तो ये देखें, हम इसके लिए यूं एक स्टिच लेते हैं, इसको उठाएंगे और इसको ऊपर की तरफ से चेन करेंगे। ये जो स्टिच है, यहां से उठाते हुए चेन करेंगे। इसको भी हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि बीट का इफेक्ट जो है वो दिखाई दे। देखिए, वी बन जाती है। इस बी को हम नीचे की तरफ से उठाते हैं पहले, उसके बाद थ्रेड को आगे की तरफ रखते हुए इसको चेन स्टिच करते हैं। यूं पास पास वर्क करेंगे इस लाइन के साथ साथ। ये आउटर लाइन है हमारी, पहले हम इसको वर्क करेंगे फिर अंदर वाली लाइंस को वर्क करेंगे। को थोड़े से डिस्टेंस पे हम यूं स्टिच लेते हैं और ऐसे इसको वर्क करते हैं। आप चाहें तो वीड स्टिच का वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा।
इसी तरीके से हमने ये दो नए कलर्स लेके अंदर वाली दो लाइंस भी बीड स्टिच के साथ बना लेनी है। अब हमारे पास ये पेटल और ये पेटल बची हैं। इन दो पेटल्स को बनाएंगे और इन फ्लावर्स के बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये भी हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। आप देखें, हम इसको बटन होल स्टिच के साथ वर्क करेंगे। ये देखें, हम थ्रेड को आगे रखते हुए यूं स्टिच लेंगे। बीच में हम छोटे स्टिचेस भी लेते हैं ताकि हमारी पेटल की लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। ये सारा वर्क हमने सिक्स स्ट्रैंड के साथ ही किया है। इसको आप स्केटर्ड मोटिव के रूप में कुर्तीज पे, नेकलाइंस पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मोटिव है और आपके कुर्ती को चार चांद लगाएगा। अब ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, इनके बीच में हम एक एक डबल रैप के साथ फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये देखें, डबल रैप, और इसको हम यहां पे ऐसे हल्के हाथों से खींचेंगे। फ्रेंच नॉट जो है ये बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है और मेरा फेवरेट है। इसको हम बहुत जगह पे बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो इसी तरीके से जैसे ये पेटल बनाई है, अब हम ये पेटल भी बटन होल स्टिच के साथ फिल करेंगे। तो देखें, ये कितना ब्यूटीफुल मोटिफ बन के रेडी है। आई होप आपको ये मोटिफ अच्छा लग रहा होगा। मैं इसका ज्वेलरी पीस भी आपको इसके साथ अटैच करके दिखाऊंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है जिससे आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। ऐसे ही ब्यूटीफुल मोटिफ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।